तुमने उस रवि को जॉब पर रख तो लिया, बट मैं कल उसे जॉब से निकाल दूंगी। उसने जो मेरे साथ किया है, खासकर मुझे जो एटीट्यूड दिखाया है ना, इसके लिए उसे पछताना पड़ेगा। कल एक बार जब उसे फायर कर दूंगी ना, फिर बैठ के उसके लटके हुए मुंह के एक्सप्रेशन इंजॉय करूंगी। तो ये भी तो उसी की जीत होगी ना, तुम ये साबित करोगी कि तुम एक मामूली स्टाफ मेंबर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, और वो तुमसे हमेशा वनप रहा, और तुम्हें हारना पसंद नहीं है, इसीलिए डर कर तुमने उसे निकाल दिया ताकि वो तुम्हारी और इंसल्ट ना कर सके। वैसे अमित शायद ठीक ही कह रहे हैं, मैंने इस रवि को बेकार ही अपने सिर पे इतना हावी होने दिया। ये चीज ही क्या है, मैं तो बड़े बड़ों को ठीक कर चुकी हूँ, तो ये क्या है, ये तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं है। डन, मैं कल के कल ही इसे डिसमिसल लेटर दे दूंगी, and then this chapter will be shut forever. जी तो कहता है कि रवि की हड्डी पसली एक कर दूं, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ का सिचुएशन संभालना होगा, अपनी धौंस जमानी होगी। लो आ ही गए हैं। आ गए जी, आ जाओ आ जाओ। साकेत जी, कैसे रही आपके बातें, सब ठीक है ना? और देविका कहाँ है? पार्टी तो बहुत अच्छी थी, मैं और देविका आपस में बैठ के बात कर रहे थे, अचानक होटल में आग लग गई और लोग घबरा कर यहाँ वहाँ भागने लग गए, अफरा तफरी मच गई थी, और कुछ लोग आग में फंसे थे इसलिए उन्हें बचाने के लिए कमरे की तरफ भागा मैं। हाँ, माता रानी की कृपा से मैंने 4-5 लोगों को बचा भी लिया, आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना खतरनाक नजारा था। साकेत जी, देविका ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, मैंने उसे सेफ जगह पे बिठाया था, लेकिन जब मैंने वापस जाके देखा तो वहां थी नहीं। पूरा होटल मैंने पागलों की तरह छान मारा, लेकिन कहीं नहीं थी। मैंने उसे फोन भी किया था, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। सोचा घर पे होगी, इसलिए यहाँ आ गया। आपको पता है वो कहाँ है? उसने आपको फोन किया, कुछ बताया उसने? माफ कीजिएगा साकेत जी, लेकिन देविका तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, वो बेचारी पहली बार आपके साथ पार्टी में आई थी। शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं एक एमएलए हूँ, लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। वो अचानक ये हादसा हुआ, लोग खतरे में थे, क्या करता मैं, छोड़ के भागता? अरे लोग क्या सोचते मेरे बारे में, किस बात का लीडर है, किस बात के लिए वोट दिया, छोड़ के भागने के लिए? अगर मैं आम इंसान होता तो भी जाता उन्हें बचाने के लिए। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? और हाँ मानता हूँ देविका मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जहां उसे बैठा कर गया था वो जगह एकदम सेफ थी, खतरे के बाहर थी, लेकिन उसे मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बिना बताई चली गई। एक जिम्मेदार लड़की ऐसा करती है क्या? शादी के बाद मेरे इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो जाएगी, मैं कितना बिजी होने वाला आपको पता, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैंडल करूंगा, और उस वक्त मेरी मदद करने के बजाय ऐसी भाग जाएगी। सच कहता हूं, आज देविका ने मेरा दिल दुखा है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितना सोचता हूँ उसके बारे में, आप सबके बारे में, और बदले में क्या मिलता मुझे, अपमान? नहीं साकेत जी, ये सच नहीं है, हम सब अपनी देविका को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी, और इसीलिए उसने हम में से किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा, लेकिन आपको वही रहना चाहिए था साकेत जी, माफ कीजिएगा, आप हम में से किसी को एक फोन करके पूछ भी सकते थे। हे भगवान, बीजी, हमारी चुटकी जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। इनको अच्छा सा जवाब देकर इनका मुंह बंद कर सकता था मैं, लेकिन सच्चाई क्या बता भी नहीं सकता ना मैं। साक्षी पुत्र, तू जरा चुटकी को फोन लगा। चुटकी, तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, कहाँ चली गई थी तू? आप सवाल नहीं करें, सवाल मैं करूंगा, मैं पूछूंगा। जिस जगह पे तुम्हें रुकने के लिए कहा था, वहां क्यों नहीं रुकी थी? साकेत जी, हाँ लोग कितनी भागा दौड़ी कर रहे थे,
मैं बहुत घबरा गई थी और फिर रवि मिल गया। इसी ने मुझे यहां तक छोड़ा है। तो मुझे बता के जा सकती थी ना तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं कब से। अरे क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में, सोचा तुमने? मुझे बताकर जाना जरूरी नहीं समझा तुमने? अरे बताना तो दूर, मेरा फोन नहीं उठाया तुमने। मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक बार अपना कॉल लॉग चेक करो और देखो कितने बार फोन किया तुम्हें मैंने। देखा ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या इरादा क्या है इसका? माफ करना माताजी, अगर इसी तरह का रवैया रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सकेत जी, सकेत जी बात तो सुनिए। पीजी, पीजी, पीजी रुकिए तो। बाल बाल बच गया। अपना गुस्सा दिखाकर बात को पलट दिया मैंने। ना देवी का सबको बता देती कि होटल रूम में क्या हुआ था। जो मैंने हंगामा खड़ा किया उसकी वजह से सब उलझे पड़े रहेंगे। देविका को अपनी बात बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सारा दोष परिवार पे डाल दिया मैंने। मैंने आज तक जो भी किया सारी बातें छुपी रहेंगी, कोई गहराई में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ मैं जाऊंगा गहराई में, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाऊंगा मैं, सबकी लगाम कस के रखूंगा। एक बहुत बड़ी गलती की है मैंने, रवि को आसानी से उस घर में एंट्री दिला के। पर एक बात पक्की है, आज के मेरे धमाके के बाद रवि का उस घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। खैर अब जो चाहे हो, सगाई तो हो चुकी है ना। वैसे भी देविका का परिवार टप्पू किस्म का है, और वो दादी, दादी किसी की भी चलने नहीं देगी। मैं जो भी करूं कोई आवाज नहीं उठाएगा, और ना ही ये सगाई कैंसिल होगी। ये बाजी तो तू जीत गया साकेत। वो तेरी मत मारी गई थी, तू ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? ना कटवा दी तूने मेरी। और रवि वहां क्या कर रहा था? साकेत जी की पार्टी में वो कैसे पहुंच गया है? कहीं तेरे साथ तो वो। दादी रवि वहां पर अपने ऑफिस के काम से आया था, सब मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, पर उसकी नई बॉस भी थी। फिर भी तुझे उसके साथ वापस आने की क्या जरूरत थी? सकेत के साथ गई थी ना, तो उसके साथ रहना चाहिए था। उसे छोड़ के किसी और के साथ वापस क्यों आई तू? यही सिखाया था मैंने तुझे। माफ कीजिएगा सरू जी, इसीलिए मैं पहले से ही कह रहा था कि छुटकी को वहां पर मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। लेकिन आप क्यों ना भेजूं? हाँ भेजा था मैंने, तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा नियम तोड़ दिया मैंने? मैंने तो ये सोच के भेजा था कि दोनों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा एक दूसरे को अच्छी तरह समझने का। अब वो 100 साल पहले वाली बातें तो है नहीं कि महीने बाद चिट्ठी पहुंचती थी, आजकल तो 1 मिनट में ईमेल आ जाती है। तो बदला है ना टाइम, तो मैंने वक्त के साथ चल के क्या बुराई कर दी? पुराने टाइम के हिसाब से चलूं तो मैं बुरी, नए जमाने के हिसाब से चलूं तो मैं बुरी। अगर मैं बुरी हूं ना तो मैं सिर से पांव तक बुरी हूं, बुरी हूं, बुरी हूं। बस एक बात पल्ले बांध ले तू, सकेत तेरा होने वाला पति है, और किसी भी लड़की का होने वाला पति उसकी जिंदगी में मायने रखता है, सिर्फ वो और सिर्फ वो ही मायने रखता है। रवि लगता क्या है तेरा, होता कौन है वो तेरे लिए? लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इस बार भी गलती हमारी थी, और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए, और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। रवि एक मसीहा है मेरे लिए, किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो।